अस्सलामुअलैकुम। अपनी मोटर डॉट कॉम से मैं हूं सुहेल चौधरी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोयोटा वियस और टोयोटा यारिस सेडान में से कौन सी गाड़ी टोयोटा पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में टोयोटा मिड रेंज सेगमेंट में 16 साल से सिर्फ एक सेडान ऑफ़र कर रही है और वो है टोयोटा करोला, जिसमें आपको 3 मॉडल्स दिए जा रहे हैं जिनमें XLI, GLI एंड ऑल्टो शामिल हैं, जो कि एक ही शेप की 3 मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं। यानी अगर कोई 35 लाख की ऑल्टस ले या 22 लाख की XLI, दोनों की शेप एक ही है। क्योंकि अगर आप XLI की फ्रंट हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, एलॉय रिम्स और इसके बैजेस वगैरह चेंज करवा लें तो कम से कम ऑल्टस 1.6 में तो कन्वर्ट हो ही सकती है बगैर सनरूफ के। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो होंडा ने दोनों सेगमेंट्स के लिए अलग-अलग से 2 गाड़ियाँ ऑफ़र की हुई हैं, जिसमें होंडा सिविक जो कि करोला ऑल्टस को कम्पीट करती है और होंडा सिटी जो कि XLI GLI को कम्पीट करती हैं। ऑल दो होंडा सिटी इज़ वे मोर प्रैक्टिकल कंसिडरिंग इट्स प्राइस एंड फीचर्स यू गेट इन कंपेरिजन विद करोला XLI। और अगर आप GLI भी लेते हैं तो आपको और ज़्यादा पे करना पड़ता है। मतलब ये कि करोला के पास होंडा सिटी को कम्पीट करने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, जबकि XLI और GLI वेरियंट्स बजाते खुद ऑल्टस रखने वालों के साथ ज्यादती के बराबर है, क्योंकि करोला एक अपर मिड रेंज सेगमेंट की कार है। इसमें इंडस मोटर्स ने ये डिसाइड किया कि वो XLI और GLI की जगह पाकिस्तान में टोयोटा वियस को मुतारफ़ करवाएंगे जो कि होंडा सिटी को कम्पीट करेगी, जबकि कोरोला में सिर्फ ऑल्टस वेरिएंट ही ऑफर किया जाएगा जो कि होंडा सिविक को कम्पीट करेगी। इसके बारे में हमारी वेबसाइट पर हमने एक आर्टिकल भी लिखा था जनवरी 2018 में, जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब क्योंकि इस बात को 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक इस बारे में टोयोटा की जानिब से कोई ख़ास पेशरफ सुनने या देखने में नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता कुछ दिनों से ये एक बहस चल रही है कि टोयोटा इंडस मोटर्स वियस की जगह यारिस को लॉन्च करेगा, तो हम फिलहाल वियस को ही कंसिडर करेंगे जो कि लॉन्च होगी। लेकिन अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि वियस की जगह यारिस सेडान को लॉन्च किया जाएगा, तो इसमें से ही हैरान कर देने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वियस और यारिस सेडान एक ही गाड़ी के 2 नाम हैं। जी हाँ, गाड़ी एक ही है, डिज़ाइन एक ही है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एक ही हैं, बस नाम चेंज है। जैसा कि हम आपको साइड बाय साइड दोनों गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वियस आएगी या यारिस आएगी, गाड़ी एक ही है, बस नाम का फ़र्क है। अब ये गाड़ी कब लॉन्च होगी इसके बारे में कोई हतमी राय देना अभी मुश्किल है, लेकिन 2020 के आखिर या 2021 के शुरू में इंडस मोटर्स टोयोटा करोला की नेक्स्ट जनरेशन और वियस को अलग-अलग या 1 साल लॉन्च कर सकती हैं। अब बात करते हैं सुजुकी स्विफ्ट की। हाल ही में सुजुकी स्विफ्ट की एक पिक्चर मंजरियाम पर आई है, जिसमें सुजुकी स्विफ्ट की 4th जनरेशन को देखा जा सकता है। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाए तो पता ये चलता है कि ये गाड़ी सुजुकी पाकिस्तान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इसकी बैक साइड पे आप RS का बैज देख सकते हैं और एक और बैज है जिसको छुपाया गया है और वो है हाइब्रिड का बैज। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुजुकी 4th जनरेशन स्विफ्ट हाइब्रिड, जिसको बाहर के ममालक में लॉन्च हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, को पाकिस्तान में लॉन्च कर सकती है। और इसको लॉन्च करने से पहले इसे टेस्ट किया जा रहा है और हम आने वाले दिनों में इसके बारे में कोई ख़बर सुन सकते हैं। अब आखिर में बात करेंगे सुजुकी आल्टो की। सुजुकी आल्टो 15 जून को ऑफिशियली लॉन्च की जा रही है और आप इसे सुजुकी की किसी भी डीलरशिप पे जाके देख भी सकेंगे और इसे ख़रीद भी सकेंगे। इसके बारे में हमने आपको हमारे अब फेसबुक पेज पे पहले ही अपडेट कर दिया था। मज़ीद ये कि जैसे ही आल्टो 660cc लॉन्च होगी, हम आपके लिए इसका वॉक अराउंड भी लेकर आएँगे। इसी के साथ सुहेल चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।